हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सागर मोबाइल कम्युनिकेशन पर। और आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है दोस्तों रियलमी C35 SPD CPU का फ़ोन, जिसका पैटर्न अनलॉक करके दिखाऊंगा मैं आज तुम्हें। देखो इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, और इसका पासवर्ड ब्रेक होने के लिए ही फ़ोन हमारे पास आया है ये। तो ठीक है, सबसे पहले मैं UMT से तुम्हें इसको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको फॉर्मेट करना है UMT से। तो UMT में जो आपका SPD वाला टूल है, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप सैमसंग B310, B1200i वगैरह फ़ोन करते हैं, उसमें डायग्नोस्टिक मोड वाले टैब पे आ जाइए, और यहाँ पे कनेक्ट फ़ोन वाला ऑप्शन है, इस कनेक्ट फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और अब आपको स्विच ऑफ कंडीशन में, मतलब पावर ऑफ कंडीशन में, अपना फ़ोन डेटा केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करना है, और बाकी कोई चीज़ नहीं दबानी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको डाटा केबल लगानी है इसमें फ़ोन में। तो ठीक है, मैं इसमें देखो डाटा केबल लगाता हूँ और ये इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इसने डिटेक्ट कर लिया है फ़ोन। अभी ये पोर्ट बनाएगा डीएग मोड का, ठीक है, डायग्नोस्टिक पोर्ट बनाएगा ये। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है रिफ्रेश करने का पोर्ट को, तो पोर्ट को रिफ्रेश करने का जो ऑप्शन है, इस पर एक बार हम क्लिक कर लेंगे, थोड़ा सा वेट करके, एक आध मिनट का वेट करके इस पर हम क्लिक कर लेंगे रिफ्रेश पे। तो यहाँ पे शो हो जाएगा हमारा पोर्ट डायग्नोस्टिक डीएग पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है टूल में फैक्ट्री रिसेट वाला, इस पर क्लिक करेंगे, यस पे टाइप करेंगे, और सिंपल से तरीके से वन क्लिक में आप रियलमी C35 का पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ का प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, और इरेज वाला ऑप्शन आएगा, इरेज भी होगा, और उसके बाद ये इरेज के बाद वापस से चार्जिंग शो करेगा। अभी आप इसको USB केबल से हटा लीजिए और इसको पावर ऑन कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके Realme C35 का ऑफ पैटर्न अनलॉक आसानी से हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, जानकारी पाने के लिए मोबाइल के बारे में, दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भले भैया आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, आप बेल आइकन दबाएंगे तो आप उससे भी रूबरू हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। देखेंगे कोई ऐसा फोल्ड हमारे सामने आए जो आपको हमारा बताना अच्छा लगे, तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। ओके।